कोरोना वायरस जैसी महामारी की तैयारी WHO के लिए हमेशा से एक सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो WHO इतनी बुरी तरह से विफल क्यों हुआ? जापान के उप प्रधानमंत्री तारो एसो ने कहा कि WHO चीन के बहुत करीब पहुंच गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इसे अपना नाम चीनी स्वास्थ्य संगठन में बदल लेना चाहिए। आरंभ से ही अगर WHO ने दुनिया को जोर देकर कहा होता कि चीन में महामारी फैल चुकी है तो हर कोई सावधान हो जाता, लेकिन WHO चीन के नकली आश्वासनों को दोहराता रहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब नियंत्रण में है। ताइवान का नाम वायरस की प्रतिक्रिया में सबसे पहले नंबर पर लिया जाएगा, यानी कि ताइवान इस वायरस की प्रतिक्रिया करने में एक वर्ल्ड लीडर माना जाएगा। ताइवान ने चीन से उड़ानों पर पहुंचने वाले लोगों और उनसे जुड़े मामलों के संपर्कों का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। लगभग 24 मिलियन लोगों के इस द्वीप देश ने अब तक 5 मौतों के साथ मामलों की संख्या 363 तक ही सीमित कर दी है। ताइवान ने दिसंबर के अंत में वुहान में कोरोना वायरस महामारी के बारे में WHO को चेतावनी दी थी और विशेष रूप से मानव संक्रमण की संभावना के बारे में बताया था। WHO ने ताइवान की चेतावनी का जवाब नहीं दिया और इसे अन्य देशों को नहीं बताया। इसकी बजाय यह चीन की आधिकारिक बयान के करीब रहा और कहा कि अभी तक मानव से मानव संक्रमण का कोई सबूत नहीं है। दुनिया भर की सरकारें WHO पर भरोसा करती हैं और संक्रामक रोगों की जानकारी के लिए WHO को आधिकारिक स्रोत के रूप में मानती हैं। WHO ने दुनिया भर की सरकारों को इस संक्रमण के बारे में जानकारी दी। देशों में अक्सर एक महामारी की प्रतिक्रिया के लिए एक स्पेशल योजना होती है जिसे एक महामारी घोषित होने के बाद लागू किया जाता है, लेकिन WHO ने प्रतिक्रिया में देरी की जिसके परिणाम स्वरूप इन योजनाओं को अमल में लाने में देरी हो गई। एक प्रमुख उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में था जब CNN ने WHO से 2 दिन पहले 9 मार्च को कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित करने का फैसला किया था। WHO को रोगी के स्वास्थ्य की वकालत करने, संभावित खतरों से सरकारों को चेतावनी देने और कार्रवाई की मांग करने के लिए माना जाता है, न कि संभावित वैश्विक तबाही करने के लिए। बाईस और 23 जनवरी को WHO की आपातकालीन समिति को यह चर्चा करने के लिए बुलाया गया था कि क्या कोरोना वायरस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है या नहीं है। अलग अलग विचार साझा किए जाने के बाद सलाह यह थी कि यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। इस बीच वायरस फैल रहा था जिसमें इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल थे। इस अवस्था तक अन्य देश भी चिंतित होने लगे थे। अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस ने जनवरी के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि चीन बीमारी की गंभीरता को छिपा रहा है। जब इटली और अमेरिका ने चीन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया तो WHO डायरेक्टर ट्रेडस ने 4 जनवरी को कहा कि इससे चीन के खिलाफ भय और कलंक बढ़ेगा और स्वास्थ्य लाभ भी नहीं होगा। इस समय तक ये वायरस दुनिया भर में फैल रहा था। धीरे धीरे WHO ने अपनी चेतावनियों और सलाह को आगे बढ़ाया और 30 जनवरी को इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए WHO कतरा रहा था।
22 फरवरी 2020 को WHO की एक विशेषज्ञ टीम को सबूतों का पता लगाने के लिए वुहान जाने की अनुमति दी गई। फरवरी के अंत में प्रकाशित इस अंतिम रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसमें दुनिया भर में हो रही आपातकालीन तैयारियों की जानकारी भी थी। सिफारिश की गई रिपोर्टें थी केस की खोज और तत्काल परीक्षण और अलगाव, निकट संपर्क की संगरोध यानी क्वारंटीन, COVID-19 के बारे में जनता को शिक्षित करना और इसके प्रसार को कैसे रोका जाए। हालांकि इस समय तक कोरोना वायरस केस की संख्या कुछ देशों में पहले से ही खतरनाक दर से बढ़ रही थी, 11 मार्च को WHO द्वारा यह एक महामारी घोषित की गई थी। इस समय तक 114 देशों ने मामले दर्ज करवाए और वह इस महामारी से लड़ रहे थे। WHO ने कोरोना वायरस की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। WHO डायरेक्टर ट्रेडस ने चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कोरोना वायरस से निपटने की प्रशंसा की, जब महामारी के बारे में चेतावनी देने के लिए ली विन लियांग जैसे डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था, लोगों को पुलिस द्वारा संगरोधक शिविरों में बंद किया जा रहा था, चीन पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों का विरोध किया और इसे भेदभावपूर्ण घोषित किया, COVID-19 को महामारी घोषित करने में देरी की और अंत में बताया जब तक कि यह 116 देशों में फैल गया था। Thank you.